लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में बीती देर रात सफाई कर्मी व मरीज के तीमारदार में हुई जोरदार हाथापाई, जिसका वीडियो हुआ वायरल। अब सवाल यह है कि आखिर क्या करती रही पुलिस, आखिरकार प्राइवेट ले जाना पड़ा उन लोगों को। जी हाँ, खूब चली झाड़ू, काफी देर तक समझाता रहा स्टाफ, लेकिन किसी बात पर हुआ था विवाद। फिरोजाबाद शहर के सरकारी ट्रामा सेंटर में थाना मक्खनपुर के गांव साडूपुर निवासी एक 75 वर्षीय वृद्ध महावीर सिंह पुत्र ठाकुर को गंभीर हालत में बीती देर रात उसके परिजन लेकर आए थे। यहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कराया और वृद्ध को काफी चोटें हैं, इससे तीमारदार पहले ही चिंताग्रस्त थे। इसी दौरान वहां सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी से किसी बात को लेकर तीमारदार का विवाद हो गया, जिस पर तीमारदार और उक्त सफाई कर्मी में हाथापाई शुरू हो गई। जहां सफाई कर्मी ने झाड़ू चलाना शुरू किया तो तीमारदार ने भी वहां रखे अन्य झाड़ू को उठा लिया और काफी देर तक यह सीन चलता रहा। सवाल यह उठता है कि इस दौरान वहां रहने वाली चौकी पुलिस आखिर क्या करती रही। फाइटिंग का पूरा सीन होने और स्टाफ के समझाने के बाद चौकी पुलिस आई, बाद में तीमारदार मरीज को प्राइवेट ले गए। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट।